यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख भारत के उत्तर में सबसे दूर दराज के क्षेत्रों में से एक है और इसे लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहा जाता है। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सोनमर्ग कश्मीर से जोजिला पास, जो कि गेटवे टू लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है, वहां से की थी। इसके बाद कारगिल, सुरु वैली व पेंजिला पास एक्सप्लोर करने के बाद नमिकला, फोटुला, लामायुरु होते हुए फाइनली हम पहुंचे लेह, जो कि लद्दाख का सबसे बड़ा शहर व यहां की कैपिटल सिटी भी है। लेह टाउन में व आसपास भी बहुत सारी खूबसूरत व हिस्टोरिकल जगहें मौजूद हैं और आज हम इन्हीं में से कुछ बहुत ही खास जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं शांति स्तूप। 11,841 फुट के आल्टीट्यूड पर लेह सिटी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शांति स्तूपा। शांति स्तूपा का निर्माण लद्दाखी बुद्धिस्ट व जापानीज बुद्धिस्ट द्वारा विश्व शांति व खुशहाली को बढ़ावा देने और बौद्ध धर्म के 2500 साल मनाने के लिए किया गया था। ये आज लेह में बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ से लेह सिटी का बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। अब यहाँ से रुक करते हैं लेह में एक और सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन का और चलते हैं लेह पैलेस। सेमो हिल पर लेह पैलेस एक फॉर्मर रॉयल पैलेस है। इसका निर्माण 17 सेंचुरी में नमग्याल डायनेस्टी के फाउंडर सेवन नमग्याल द्वारा कराया गया था। हालांकि ये पैलेस वक्त के साथ काफी खंडर में बदला सा लगता है, पर आज भी इसकी कार्व्ड एंट्रेंसेस, विशाल गलियारे और खूबसूरत बनावट ने अपना आकर्षण बिल्कुल भी नहीं खोया है। ये तिब्बत में लासा के पोटला पैलेस से मिलता जुलता है, पर आकार में उससे काफी छोटा है। इस पैलेस की 9 मंजिलें हैं और ये पब्लिक के लिए ओपन है। इसकी विभिन्न छतों से ले टाउन व आसपास के एरियाज का बहुत ही खूबसूरत व्यू भी देखने को मिलता है। ले पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद हम बढ़ चले यहाँ की एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन की ओर, जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। ये है हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम इंडियन आर्मी द्वारा बनाया गया म्यूजियम है, जो कि डेडिकेटेड है इंडियन आर्मी के उन जवानों को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। इस म्यूजियम में वार रिलेटेड व लद्दाख रीजन व कल्चर के रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। म्यूजियम के साथ ही एक एडवेंचर पार्क भी है। देखने पर ये सारी एक्टिविटीज बहुत ही टेम्पटिंग लगती है, पर इस आल्टीट्यूड पर यह सब करने में बहुत दिक्कत भी हो सकती है। यहाँ पर आसान सा लगने वाला कोई भी टास्क बहुत जल्दी आपको थका सकता है। ये सब जगहें एक्सप्लोर करने के बाद हम चलते हैं लेह टाउन के सबसे हैपनिंग प्लेस, जो है लेह टाउन की मेन मार्केट। लेह टाउन की मार्केट वन ऑफ द बिजिएस्ट और बहुत ही कलरफुल जगह है। यहाँ आप अपनी जरूरत का कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रोसरीज, कपड़े, ज्वेलरी, लोकल स्ट्रीट फूड व सोविनियर्स तक सब मिल जाएगा। और इसी मार्केट के आसपास आपको काफी सारे कैफेज और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। ले टाउन से कुछ दूरी पर आपको और भी बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि नेमू में कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडस और जल्सकार रिवर।
अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो आप संस्कार रिवर में रिवर राफ्टिंग का मजा भी ले सकते हैं। मैग्नेटिक हिल, यहां पर आप डिफरेंट एडवेंचर राइड्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जो कि हम लेह आते हुए इस रूट पर पहले ही एक्सप्लोर कर चुके हैं। लेह टाउन से दूसरी तरफ मनाली रोड पर भी बहुत सारे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद हैं, जैसे कि हेमिस मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री, शे पैलेस, स्टकना मोनेस्ट्री। हम इन जगहों को खरदुंगला नुब्रा पेंगोंग सर्किट कंप्लीट करके वापस आते हुए अच्छे से एक्सप्लोर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।